जो है दैट इज कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, दूसरी क्या है वेरिएबल की मैट्रिक्स, तीसरी क्या है कांस्टेंट की मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू बी। मैंने दोनों साइड एडजॉइंट से मल्टीप्लाई किया क्योंकि एडजॉइंट जो है वो हर मैट्रिक्स के लिए एग्जिस्ट करेगा, जो हर ए मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके लिए एग्जिस्ट करेगा। ओके मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एक्स दैट इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। अगर यहाँ पे मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो नहीं हुआ दैट इज नॉन जीरो तो मेरे पास आगे फर्दर मैं इसको क्या कर सकता हूँ राइट हैंड साइड पे मूव कर सकता हूँ तो मेरे पास वो बन जाएगा ए इनवर्स इनटू बी यानी कि आई विल हैव यूनिक सॉल्यूशन। अगर वो जीरो हुआ तो मैं इसको राइट हैंड साइड में मूव नहीं कर सकता लेकिन आगे मेरे पास फर्दर केसेस आ जाएंगे एडजॉइंट इनटू बी इज इक्वल्स टू जीरो और नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। अगर वो जीरो हुआ अगर वो जीरो हुआ तो मैं एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू पुट करूं मेरे पास वो इक्वेशन सैटिस्फाई होने वाली है यानी कि आई विल हैव इनफिनिट सॉल्यूशन अदरवाइज आई विल हैव नो सॉल्यूशन। बात खत्म।